हमको चोट आई है, डॉक्टर ने सलाह दिया है कि 3 हफ्ता जो है बिस्तर से हिलिए मत। चुनावी खत्म। हम बोले डॉक्टर साहब 3 हफ्ता में तो चुनाव ही खत्म हो गए। अरे एक और मेरा हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसको हम ट्रैक्टर बनाए। एगो हम मारा मुकेश जी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, 25-30 को बीजेपी और जदयू वाला कर रहा है, लेकिन ये ट्रैक्टर सब पर भारी है। देखिए चैनल की जनता ने शुरू से ही लालू जी को हमको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हमेशा समर्थन दिया, और आज आप दर्द तो है, लेकिन जो हमारे नौजवान युवा भाइयों का जो बेरोजगारी का दर्द है उससे कम है। जो गरीब भाई हैं उनके गरीबी से हमारा दर्द कम है, जो महंगाई का दर्द है उस महंगाई के दर्द से हमारा दर्द कम है। और तेजस्वी ने संकल्प लिया है कि जब बेरोजगार भाइयों को नौकरी रोजगार ना दिला दे तेजस्वी साहब नहीं बनेगा। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए और आप लोगों से यही अपील है कि कुमारी अनीता जी को लालू जी ने मुंगेर से टिकट दिया है, और यही अपील करने आए कि एक एक वोट जो है पेन पर बटन दबा करके अनीता जी को जिताना है और लालू गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है। बताइए आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए सब लोग। चुपचाप लालटेन छा। देखिए हम 17 महीने थे तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हमने किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जितना स्वयं सहाय समूह थी, आपका आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, टोला सेवक हो, उनके मानदेय को तेजस्वी ने दुगुना करने का काम किया। हम लोगों ने 17 महीने में जो काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए, ये नरेंद्र मोदी जी ने केवल लोगों के झूठ बोला, ठगने का काम किया, हमारे बिहार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने कहा था 14 में, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपया खाता में देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी जी? 14 का भूल गए, फिर 19 में आए मोदी जी तो 19 में क्या बोले, भाइयों बहनों मित्रों मोदी आएगा तो किसान भाई का आय दुगुना कर देगा, मोदी आएगा तो सबके पक्का मकान बना देगा, मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, मोदी आएगा तो गरीबी महंगाई खत्म कर देगा। अब 19 भी पूरा हो गया, अब आ गया 24। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के। तो 24 में क्या कहते हैं, भाइयों बहनों ये विपक्ष वाले लोग
आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये विपक्ष वाला लोग आपका भैंस चुरा लेंगे। अरे मोदी जी, इतना झूठ रवा मत बोली। 24 में आते आते हिंदू, मुसलमान, इस्लाम, सनातन, मंदिर, मस्जिद, बस हम बोलना चाहते हैं मोदी जी, अरे बिहारी लोग बुड़बक नहीं खे, एक बार काट के हांडी बार बार ना चढ़ता है। बिहारी लोग उड़ता चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है। किकरा के बेवकूफ बना रहे मोदी जी। हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है महंगाई। बिहार में कारखाना खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आपके चालन के किसानों का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कटनी हो रहा है कि नहीं हो रहा? फसल का दाम मिलता है नहीं ना मिलता है? सोचो कम में रेट में मिल रहा है, कैसे तैसे सरकार लेता है नहीं लेता? यही मोदी जी बोले थे आज दुगुना कर देंगे। केवल केवल मोदी जी ने ठगने का काम किया। कितना बेरोजगार नौजवान है बड़ा हाथ उठा के बताना, इतनी बड़ी संख्या है, बताओ नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अच्छा इलाज अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये ज्यादा जरूरी है कि नहीं? तो मोदी जी खाली धर्म में बांट करके जहर समाज को बोलने का काम करते ताकि आपस पे हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे। मोदी जी इस बार हम लोग आपके झांसे में नहीं आएंगे। आप बताइए आपने 10 साल में कितना नौकरी दिया? तेजस्वी तो बताया कि 17 महीने में 5,00,000 नौकरी दिया। मोदी जी तुम बताओ कितना के नौकरी दिए? बता रहा होगा कि नहीं बता रहा होगा? नौकरी का दिए, नौकरी छीन ली, सब कुछ निजीकरण कर दिए, प्राइवेट कर दिए, रेलवे के बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब भारत पेट्रोलियम बेच दिए, एयर इंडिया से लेकर के पोर्ट से लेकर के बीएसएनएल से लेके एलआईसी से लेके सब बेच दिए। जहां जहां नौकरी मिलता था सबको निजीकरण। आप बताओ चालन की जनता, एक काम बताओ जो मोदी जी ने चालन के लिए किया हो, काम निकल गए? एक काम बता दे जो मोदी जी चालन के लिए किए हो। तो जब तक चालन विकास नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है? जब तक चालन का विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो 10 साल तक क्या किए? केवल वोट लो, वोट लो, और किसी और को जो है कमाई जो है लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, यही असलियत है। इसलिए भाई ने चरण की जनता तेजस्वी पर भरोसा है कि नहीं है? कालिता जी को जिताना है कि नहीं जिताना? तेजस्वी का वादा है अगर इंडिया की सरकार बनाओगे, अनीता जी को जिताओगे, तो पूरे देश में 1,00,000,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इतनी गरीब बहनों को साल में 1,00,000 रुपया का सहयोग तेजस्वी और इंडिया गठबंधन की सरकार करने जाएगी। यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,000
333 रुपया मिलेगा। और मोदी जी जो गैस सिलेंडर 1400-1500 कर दिए हैं वो 500 रुपया हम लोग करेंगे। और 200 यूनिट फ्री में बिजली, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करेंगे। आज की वीडियो का को खत्म किया जाएगा। तो आप लोगों के साथ मिलेगा ना, तो चुपचाप जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप। एक भाई सब पिछड़ा भाई, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई, आदिवासी भाई, अब शिक्षक भाई एक भाई। ये लड़ाई है, मुंगेर का लड़ाई है। और इस बार मुंगेर से लालटेन चलेगा, लालटेन चलेगा। जलाना कि नहीं जलाना? तुम्हारी अनीता जी पढ़ी लिखी है, गरीबी भी देखी है, महिला है, धानु गति पिछड़ा समाज से आती है। इस बार सब लोग गोल बंद होकर के तुम्हारी अनीता जी को जिताने का काम कीजिए। तो विजय का माला पहना है, सब